गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने आरआरबी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखा हुआ है और इसमें जो अभी नया नोटिस आया है वो आपका जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी नोटिस आया है। तो चलिए हम लोग पूरा नोटिस को एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज है, यहाँ पर देखिए CN03/2019, तो यहाँ पर क्लिक किया तो लिखा हो, तो उसमें जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए पब्लिशिंग डेट है 8/10/2021। तो ये जो आया है नोटिस आपका 8/10 को आया है। तो उसके बाद देखिए नोटिस फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट, ठीक है, जो ये अभी नोटिस आया है और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट और ट्रांसलेटर टेस्ट के लिए आया हुआ है। तो यहाँ उसके बाद देखिए क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड लिखा हो, हम लोग को इसमें क्लिक करना। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो हम लोग का नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN03/2019 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। और देखिए नोटिस फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेटर टेस्ट। तो पहला नंबर में देखिए द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ट्रांसलेटर टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए, ट्रांसलेटर टेस्ट के लिए, टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, तो उसका रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद देखिए दो नंबर में स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 01 और 02 एंड ट्रांसलेशन टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 03। तो इसमें जो कैटेगरी नंबर 01 और 02 है और जो ट्रांसलेटर टेस्ट जो आपका नंबर जो है 03, इसका जो आपका होगा 27/10/2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों जो है अपना टेस्ट मतलब तैयारी करना लग जाइए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और उसके बाद देखिए द लिंक ऑफ एग्ज़ाम सिटी डेट एंड शिफ्ट इंटीमेशन विल बी मेड लाइक 10 डेज पीरियड टू एक्चुअल डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। इसमें आपको जो बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, ठीक है, जो लिंक इसके लिए जैसे लिंक आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम सिटी का, डेट का, आपका जो एग्ज़ामिनेशन किस शिफ्ट में होगा, ठीक है, वो आपका 10 दिन पहले जो है वो सभी आरआरबीज के जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा लिंक इसका। और इसमें जैसे कि 4 नंबर में आप देख सकते हैं द लिंक फॉर ई कॉल लेटर विल बी मेड लाइक 4 डेज प्रीयर टू एक्चुअल डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबीज। तो इसका आपको जो बोला गया है जैसे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम जब होगा उससे 4 दिन पहले ही आपका जो है सभी आरआरबी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो ऑफिस सभी जो आरआरबी है उसमें आप किसी भी जिस आरआरबी से आप आवेदन किए हैं तो उस आरआरबी में चले जाइएगा, वहाँ पर ही आपको जो है एडमिट कार्ड वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके आप देख सकते हैं 5 नंबर जो नोटिस हैं द डेट्स ऑफ टीचिंग स्किल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 13 to 29 29। जो इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो है कैटेगरी नंबर जो है 13 से लेकर 29 तक का जो है टीचिंग स्किल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट जो होगा वो आपको बाद में होगा, ठीक है, उसका भी डेट अभी कंफर्म नहीं किया गया है। उसके बाद 6 नंबर में देखिए द कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर दिस टेस्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर अप्लाइड आरआरबीज। वही आपको बोला गया जिस आरआरबी से आप लोगों ने आवेदन किए हैं उस आरआरबी में को इसके बारे और जो है इसमें बोला गया है कि जिस आरआरबी से आप लोगों ने आवेदन किए हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट जो है या टेस्ट आप बोलेगा तो उस आरआरबी की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। 7वां नंबर आप देख सकते हैं द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रिलेटेड टू COVID-19, ठीक है। तो आप लोगों को जो है जो COVID-19 के लिए आपको जो गाइडलाइन आपको दिया जाएगा उस गाइडलाइन में ही आपको आना पड़ेगा। जैसे मास्क पहनना है तो मास्क पहनना आपको कंपलसरी है, हैंड ग्लोव्स अगर बोलेगा तो हैंड ग्लोव्स आपको लेके जाना पड़ेगा, सैनिटाइजर लेके जाना बोलेगा तो सैनिटाइजर लेके जाना पड़ेगा। जो भी आपको इसके लिए गाइडलाइन दिया जाएगा उस गाइडलाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो है एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, तो आपको लिए दिक्कत हो सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे का डिटेल के लिए आप लोग जो है आरआरबी का जो वेबसाइट है हम लोग जरूर चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर में लिखा गया कि बीवेयर ऑफ टॉट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विथ फेक प्रोमिस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब
ऑन इलीगल कंसिडरेशन आर आर बी आर एट बेस्ट ऑनली द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें आपको नौ नंबर में बोला है कि जैसे धोखेबाजों से आप लोग सावधान रहिएगा, जो कहते हैं कि भाई पैसा लेके आपका करवा देंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। यहाँ पर आपको बोला है कि जो आर आर बी में सलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर ही होता है। ठीक है, और नीचे में आप देख सकते हैं 8/10/2021 को ये नोटिस आया है, तो आप लोग जितना होगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कैंडिडेट जो है आइसोलेटेड कैंडिडेट है आर्मी स्टेल मतलब आइसोलेटेड आर्मी स्टेल का फॉर्म भरते हैं और उनको इस नोटिस को जानकारी हो जाए और उनको अपना स्किल टेस्ट के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट जो भी आपका टीचिंग टेस्ट ये सब के लिए और तैयारी कर लें। और इसी तरह की आप लोग लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।